तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फोर्ड फीगो। तो दोस्तों ये फीगो जो है इसमें ये प्रॉब्लम है कि एसी में कूलिंग नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये देखो कूलेंट, जो फीगो में जो कूलेंट वाटर आता है इसके नीचे के साइड में एसी के पाइप होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप देख सकते हो वीडियो के अंदर ये जो दो दिख रहे हैं ये एक है और इसके बाजू में एक दूसरा पॉइंट है। ये जो है ये एसी के पॉइंट है। देखो ये मैंने अपना मैनिफोल्ड जो मीटर है, मतलब कि ये डबल गेज प्रेशर मीटर होता है, इसमें कंडेंसर सॉरी कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर भी दिखाता है, जो कि मैं अभी यहाँ से ये कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस्ड एयर एसी के जो लाइन है उसमें इंटेक कर रहा हूँ। ये आप प्रेशर देख सकते हो मीटर के अंदर। तो इसी तरह से मैंने पूरा चेक कर लिया, देखो ये लीकेज बिल्कुल नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया मुझे कि ये जो फीगो है उसमें जो एसी का लाइन है वो कंप्लीट है। अभी मैं क्या करूँगा कि नया गैस रिफिल कर दूंगा तो इसमें जो है कूलिंग कंप्लीट आ जाएगा। तो ये रहा मेरा गैस का बॉटल, जो एसी का गैस है वो मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे कि ये जो दो पाइप है वो फिर से वो एसी का जो ये एक प्रकार का ऑयल है जो एसी के पाइप में लगता है, और इसके बाद ये हम मैंने कनेक्ट कर दिया है। और आप देख सकते हो वो प्रेशर मीटर के साथ मैंने ये एसी का बॉटल और दूसरी तरफ से जो फोर्ड की फीगो है उसको कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों जैसे ही मैं कार का इग्निशन ऑन करूँगा आप देख सकेंगे कि ये पूरा जो बॉटल है वो ऐसे पल भर में पूरा कार में चला जाएगा और जो कूलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये दोस्तों मैंने कार स्टार्ट कर दी है। अभी जैसे ही एसी स्टार्ट होगा आप ये मीटर देख के आपको पता चलेगा कि हाँ गैस अंदर चला गया है। ये देखो दोस्तों ये पूरा गैस का बॉटल ख़त्म हो गया है। अगर आपकी कार में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकें। और अगर आपको ऐसे वीडियोस ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब करना भी। और अगर ऐसे वीडियोस आपको ज़्यादा देखना है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और अभी दोस्तों ये मैं कार के अंदर बैठ चुका हूँ, आप देख सकते हो ये एसी ऑन है और क्या बढ़िया कूलिंग इसके अंदर हो गया। अगर